जब भी हम तीन दोस्त दुनिया के किसी भी कोने से वापस जयपुर आते हैं तो पहली बात सिर्फ यही होती है कि चलो ऊपर चलते हैं। एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग यू ऑन अ वर्चुअल ट्रेवल एक्सपीरियंस टू नाहरगढ़ फोर्ट। तो ये कहानी सुबह सुबह नाहरगढ़ फोर्ट जाने के प्लान से शुरू होती है। अगर रात को 3 बजे सोकर सुबह 5 बजे का अलार्म लगा हो तो ये कहानी वहीं ख़त्म भी हो सकती थी। मुझे तो अलार्म बिल्कुल नहीं सुनाई दिया, लेकिन 2 स्क्रीनशॉट लेने के बाद मनीष की आँख खुल गई एंड वी मेड इट थ्रू। उसके बाद मनीष ने मुझे उठा दिया। आई स्टार्टेड टू पैक माई इक्विपमेंट बैग एंड वी स्टार्टेड गेटिंग रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। तो सबसे पहले मैं और मनीष निकले अपने तीसरे दोस्त कल्पित को पिक करने के लिए। और इसके बाद अर्ली मॉर्निंग वाइब्स में पिंक सिटी को क्रॉस करते हुए निकल गए नाहरगढ़ की इन खूबसूरत पहाड़ियों में। जब भी मैं जयपुर या राजस्थान के बाहर ट्रैवल करता हूँ, पीपल आस्क मी वेयर आर यू फ्रॉम। मैं उनको बताता हूँ कि मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं पहाड़ी हूँ। दे यूजुअली लाफ एट इट एंड दे डोंट बिलीव इट। और राजस्थान का नाम सुनते ही कोई भी यकीन करेगा भी क्यों, जब तक वो किसी सुबह अरावली रेंजेस का ये खूबसूरत नज़ारा ना देख लें। स्पेशली इन मानसून, अगर आपने जयपुर को ग्रीनरी के साथ देख लिया तो मतलब पहली नज़र में आपको शहर से प्यार हो जाएगा। It's such a bliss. Good morning, everyone. तो अगर आप जयपुर से हैं और अगर आपके जयपुर में दोस्त हैं तो अपने दोस्तों के साथ सुबह सुबह नाहरगढ़ आने की जो फील है, आई होप यू कैन रिलेट। वेलकम टू द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ जयपुर, नाहरगढ़। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द सेम वाइब, विद द सेम इंट्रो। लेट्स डू इट। What's up guys, my name is Shakti and you are watching Traveling Mondays. Obviously मैंने मास्क इसलिए हटाया क्योंकि मेरे आसपास आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से नेचर के बीच में है। और मेरे साथ में आज सुबह सुबह मेरे दो दोस्त, उनसे आपको मिलाता हूँ। Here they are. Hi, this is Kalpit. Kalpit, the traveler. All right, ये है मेरा दोस्त, मेरा भाई, कॉलेज से हम लोग साथ में थे। Of course. And he is Manish, if you don't know him, आपने देखा होगा इसको यहाँ पर थेरे सीरियल और अब आप देख रहे हो इसको यहाँ पर। तो ये तो जो इंट्रो था ये थोड़ा कैजुअल सा था, अब इसको थोड़ा सिनेमैटिक और थोड़ा वाइब्स के साथ थोड़ा ठीक से। तो ये है कल्पित। कल्पित एक काफ़ी बड़ी कंपनी में काफ़ी बड़ी पोस्ट पर काफ़ी सारी जगह घूमने की ड्रीम जॉब कर रहा है। और इसके इंट्रोडक्शन में मैं ये बोलूँगा कि मैंने इंडिया में जितनी स्टेट्स घूमी है, इसने इस दुनिया में उतनी कंट्रीज घूमी है। काफ़ी डोप ब्रो। ये है मनीष। मनीष को कॉलेज से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स और थिएटर का शौक था। एंड नाउ भाई के इंट्रोडक्शन में यही बोलूंगा कि आप विकिपीडिया पे देख सकते हो और बाकी आपने इसे नेशनल टीवी पे भी बहुत बार, आई मीन रोज देखा ही होगा। हाँ भाई, बिहान पांडे।
गजब। Alright guys, I hope you enjoyed introduction of my friends. और आज का जो vlog होने वाला है उसके अंदर मैं आपको घुमाने वाला हूँ हमारे जयपुर का one of our most favorite place. Sun is shining very hard today. मुझे लगा था मौसम अच्छा होगा, बारिश का होगा, but कोई बात नहीं, it's okay, everything is chill. आई होप यू एंजॉयड दिस व्यू जहाँ से आपको सीधे सामने जलमहल दिखाई देता है। अगर आप थोड़ी धूप कम में आओगे या शाम को आओगे, अर्ली मॉर्निंग आओगे, तो आपको यहाँ पे एक घंटा बैठोगे, आप दो घंटा बैठोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो दैट इज़ अ ब्यूटी, दैट इज़ अ चिल वाइब ऑफ दिस प्लेस। अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग अगले स्पॉट पर और अभी जाके कहीं छाया में बैठेंगे। एंड आई होप यू एंजॉइंग द व्लॉग, लेट्स गो। इसके बाद हम निकल गए फोर्ट के लिए और फोर्ट पहुंचकर पता चला कि वहां पे अभी एंट्री गेट बंद था। तो क्या फिर यू टर्न मारा और सोचा कि अगर आज आ ही गए हैं तो कहीं आगे जाके रुकते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। सो वी स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल टू ब्रीद सम फ्रेश एयर एंड टू एंजॉय द व्यूज अराउंड। व्हाइल जयपुर लुक्स कम्प्लीटली ग्रीन जोन फॉर नाउ। एनीवेज मैंने इनसे नाम पूछा, इनका क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह शेखावत। तेज बोला? शक्ति सिंह शेखावत। किसका नाम? आपका नाम है? ऑलराइट गाइस, आई होप यू एंजॉयिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, हमको पिचाई वाले भैया ने बताया कि जो फोर्ट का गेट है वो 10 बजे खुल जाता है, 9 बजे खुल जाता है, तो वी विल जस्ट गो एंड चेक इट आउट। लेकिन इस वीडियो में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी मैं टूरिज्म प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द राइट टाइम टू ट्रैवल टू दिस प्लेसेस, बट आई वॉज लिविंग नियर बाय, तो मैंने सोचा क्यों ना आसपास आके आपको थोड़ा वर्चुअल टूर दे देता हूँ विद माई ओन कार विदाउट गेटिंग टच विद लॉट ऑफ पीपल। तो ये बोला था, बाकी एंजॉय द व्यूज और चेकआउट करते हैं, अगर गेट खुला होगा तो बहुत बढ़िया है। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, गेट खुल गया था और हम लोग आ गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट। ऑलराइट गाइस, तो ये है नाहरगढ़ फोर्ट की पहली झलक एंड दिस व्यू इज द रीजन व्हाई दिस प्लेस कीप्स कॉलिंग यू बैक अगेन एंड अगेन वंस यू विजिटेड नाहरगढ़। ऑलराइट गाइस, वी हैव मेड इट टू नाहरगढ़ फोर्ट और पीछे आप देख सकते हो ये वो आइकॉनिक स्पॉट है जहाँ पे रंगदेव बसंती शूट हुई थी। यहीं पे अपना डीजे ने यहीं से डाइव लगाई थी और काफी अमेजिंग सा सीन था यहाँ पे, वो गाना शूट हुआ था। Was shot here. Since then, it became a popular hangout place, especially among the youngsters. All right, guys. I hope you are enjoying the vlog. तो यार अब बात करते हैं थोड़ी नाहरगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। नाहरगढ़ फोर्ट stands on the edge of Aravali Hills, overlooking the beautiful views of Pink City, Jaipur. Nahargarh Fort was built by Maharaja Sawai Jai Singh in 1734. Agar main aapko ek interesting kahani bataun, to is fort ka naam Sudarshan Garh tha. But later it became famous as Nahargarh, which means abode of tigers. The popular belief is that Nahar here stands for Nahar Singh Bhumia, whose spirit haunted this place. Then Nahar spirit was pacified by building a temple within the fort. Yani Nahar Singh Bhumia ki atma ki shanti ke liye isi fort mein ek temple banaya gaya. And this is why this fort is later known as Nahargarh. Kaisa lag raha hai, kaisa? Mera Jaipur.
मेरा जयपुर बहुत सुंदर है यार। तो हिस्ट्री के थोड़े पन्ने पलटने के बाद आई एम हेयर चेकिंग आउट द व्यूज। वाओ, आपको भी दिखाते लेकिन थोड़ा अपने सिनेमैटिक ट्रैवलिंग मंडे स्टाइल में। अगर आप जयपुर से हो तो शायद आप मेरी तरह पहले अपना घर ढूंढोगे या फिर यहाँ कुछ पलों के लिए बैठकर जो सुकून मिलेगा उसे महसूस कर सकते हो। जब भी आपको मौका मिले इस जगह पर लाइफ में जरूर आना। आई विल सजेस्ट नॉट टू मिस दिस वाइब, नॉट टू मिस नाहरगढ़ फोर्ट। मनीष, कैसा लग रहा है आज इतने दिनों बाद थोड़ा घर से बाहर आके थोड़ा ब्रेक लेने में? एक्चुअली मुझे नारगढ़ आके बहुत मज़ा आ रहा है। आई मीन इस बार मैं पहली बार नारगढ़ आया हूँ, तो ऑफकोर्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हम इस सिर्फ इस वातावरण में आना चाहते थे तो फिलहाल यस वी आर एंजॉइंग कोर्स। नाइस कल्पित, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर कमिंग बैक? फीलिंग वेरी वेल, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी केम टुगेदर मनीष मी एंड शक्ति, सो वी आर एंजॉइंग अ लॉट। एंड टोटली यू कैन सी हियर टोटली ग्रीनरी, फुल ऑफ नाइस वेदर, गुड नेचर हियर। मतलब इससे काफी मतलब क्लियर हो गया कि काफी फॉरेन रहा है एक्सेंट सुन रहा है, लगेगा कि लाइक नेचर एंड लाइक वेदर, नॉट वेदर, वेदर वेदर इज ब्यूटीफुल। मैं जितने स्टेट्स घूमा हूँ उतनी एक कंट्रीज घूम चुका है। उसने मुझसे पूछा कि तू कौन से स्टेट में नहीं गया, तो मैंने बोला सिर्फ यूनाइटेड। एनीवेज इससे पूछते हैं कि लाइक इतना ट्रैवल करके कितना मजा आया, क्या स्टोरीज थी, कुछ भी यू वांट टू शेयर? लाइक गाइस आई थिंक सो आपको मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए दुनिया को, बहुत 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 खूबसूरत दुनिया है। यू शुड बी एक्सप्लोर इन एनी वे, इन एनी सर्कमस्टांसेस यू हैव टू गो, यू हैव टू विजिट, यू हैव टू विजिट एनी कंट्री, एनी सिटी, एनी विलेज, wherever you can go you just go. To kaun kaun si aisi states hain, countries hain that you visited? Yeah, I have visited Thailand, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Japan, China, US, Germany and Indonesia. Main pehle to khel nahi raha, main maan nahi raha, mere ko passport dikha bhai. Well guys, he took it seriously and these are all visa from Hong Kong, China, Japan, Taiwan, Singapore. मेरे को भरोसा हो गया, मतलब मेरे को पहले से था, मतलब मैं शोशेबाजी कर रहा था। भाई अपना जा रहा है अभी वापस US, एक तारीख को फ्लाइट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदा है भाई अपनी कंपनी का, तो अभी जल्दी बुलाया जा रहा है भाई को। सो विल सी यू अगेन, कम बैक टू इंडिया। ओके, और मनीष भी जा रहा है परसों बॉम्बे। स्पेंड अ गुड टाइम अबाउट 4 hours हियर, 4 घंटे के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया और काफ़ी मज़ा आया। Day to remember. And today is Monday and it's traveling Monday. So we are just almost there, about to get 200K on YouTube. So thank you so much for all of your support. Thank you so much for watching. ऐसे और virtual travel और ऐसा ही और chill vibe on a team में धीरे धीरे safely मैं आपको देता रहूँगा. Give it a thumbs up. Do not forget to hit subscribe. And this is it. In the end, I want to say, Baba, you are beautiful. You are beautiful.